पेमेंट्स बैंक का नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि पेमेंट्स बैंक एग्जैक्टली होता क्या है और क्या ये आपके लिए सेफ है या नहीं? हाय, मैं हूं नेहा वशिष्ठ और आप देख रहे हैं जी बिजनेस। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पेमेंट्स बैंक क्या होता है और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है और क्या ये आपके लिए एक सही चॉइस है या नहीं। पेमेंट बैंक्स का कॉन्सेप्ट RBI ने 2015 में इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अकॉर्डिंग जितने भी फिनटेक कंपनीज होती हैं सच एज एयरटेल, जियो एक्सेट्रा, इनको एक बैंकिंग लाइसेंस मिलता है। फिलहाल इंडिया में सिर्फ 6 पेमेंट बैंक्स हैं सच एज एयरटेल, जियो, पेटीएम, NSDL, इंडिया पोस्ट एंड फिनो। इन बैंक्स को इसलिए लाया गया ताकि जो देश की अंडरसर्व पॉपुलेशन है उनको भी बैंकिंग सर्विसेज का फ़ायदा मिल सके और देश का जो बैंकिंग सिस्टम है वो और ज़्यादा इंक्लूसिव बन सके। अगर हम रीजनल लेवल पे बात करें तो ये बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक बेनिफिट्स देता है और अगर हम एंड यूज़र की बात करें तो उस लेवल पर भी काफ़ी सारे माइक्रो इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर हम कॉमन लोगों की बात करें तो स्मॉल बिजनेसेस, माइग्रेंट वर्कर्स एक्सेट्रा और लो इनकम हाउस होल्ड्स को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर हम सर्विसेज की बात करें तो पेमेंट्स बैंक आपको डेबिट कार्ड, ATM की सर्विसेज दे सकते हैं, साथ ही करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसमें कैच क्या है? पहला तो ये कि कोई भी कंपनी अगर अपना पेमेंट्स बैंक बनाना चाहती है तो उनको मैंडेटरी है कि उन्हें अपने नाम के आगे पेमेंट्स बैंक डालना ही पड़ेगा। दूसरा क्या चाहिए है कि 2 लाख से ऊपर इसमें डिपॉजिट आप नहीं कर सकते हैं। कोई भी पेमेंट्स बैंक आपसे 2 लाख तक का ही अमाउंट ले सकता है। इन केस अगर आपको 2 लाख से ऊपर का अमाउंट डालना है पेमेंट्स बैंक के अकाउंट में तो आपको उसको FD में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये होगा कैसे कि जो पेमेंट्स बैंक होगा उनका किसी थर्ड पार्टी कमर्शियल बैंक के साथ एक टाइप होगा तो उसके थ्रू आप ये सर्विस का फ़ायदा उठा सकेंगे। अब अगर हम बात करें लेंडिंग फैसिलिटीज़ की तो पेमेंट्स बैंक क्रेडिट और लोन फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते क्योंकि RBI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पेमेंट्स बैंक को परमिशन नहीं होती कि वो अपने कंज्यूमर को लेंडिंग सर्विसेज दे पाए। अब इन बैंक्स में एक चीज़ और मैंडेटरी है कि इनका जो डिमांड डिपॉजिट बैलेंसेस होता है उसका 75% मैंडेटरी इन बैंक्स को इन्वेस्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या फिर ट्रेजरी बिल्स में। बाकी का बचा हुआ 25% इन बैंक्स को होल्ड करना पड़ता है थ्रू करंट या फिक्स डिपॉजिट्स ताकि वो अपना लिक्विडिटी मैनेज कर पाएँ और साथ ही ऑपरेशनल पर्पसेस भी अच्छे से उनके मैनेज हो पाएँ। अब अगर हम बात करें सेफ्टी और सिक्योरिटी की तो अगर आप अपने पैसे इन बैंक्स में डालना चाहते हैं तो आप निश्चिंत होकर इन पैसों को डाल सकते हैं क्योंकि ये बैंक्स RBI द्वारा मान्य हैं। तो ये था पेमेंट्स बैंक के बारे में। बिजनेस, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस।